आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसका संबंध मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न मानवीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन स्थानिक या भौगोलिक संदर्भ में करता है, यानी कि मानव और पर्यावरण दोनों की अंतः प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न दशाओं में मानव जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार समस्त मानवीय क्रियाओं तथा उनसे संबद्ध तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल की अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं हैं, क्योंकि मानव विभिन्न गतिविधियों को करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप। मानव की आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है, फिर भी मानव द्वारा इन साधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं की जाती है। इन्हीं क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के वर्ग को एक विषय के अंतर्गत रखा जाता है। मानव समाज का अध्ययन सामाजिक भूगोल में, विकास संबंधी अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में, संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में, इसी प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा उनसे संबंधित तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। आर्थिक भूगोल मूलतः मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होने वाली आर्थिक क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही उनकी स्थानिक भिन्नता को प्रकट करना होता है। मानवीय क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का महत्व व प्रभाव इतना व्यापक है कि इसके सम्मुख अन्य क्रियाओं तथा पक्षों का महत्व गौण हो जाता है। संभवतः इसीलिए आर्थिक भूगोल का स्थान सर्वोच्च प्रतीत होता है और इसका विकास एक स्वतंत्र विकास विषय के रूप में हुआ है। स्वतंत्र विषय के रूप में आर्थिक भूगोल का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। उस समय इसमें आर्थिक क्रियाओं तथा तथ्यों की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण ही प्रमुख होता था, जो उन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या करता है। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा उसके उद्देश्य और विषय क्षेत्र में अधिक विस्तार हुआ। वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों की प्रादेशिक भिन्नता का पता लगाना तथा मानव कल्याण और मानव जीवन को गुणात्मक दृष्टि से उच्चतर बनाने हेतु उन बाधाओं तथा असमानताओं को दूर करना है जिनके कारण
मानव जीवन स्तर में विसंगति या भिन्नताएं पाई जाती हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। जर्मन भूगोलवेत्ता गोट्ज के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यह विचारधारा नियतिवादी दृष्टिकोण को इंगित करती है, क्योंकि गोट्ज एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और नियतिवाद का विकास भी जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित किया गया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता आर ई मर्फी के शब्दों में, आर्थिक भूगोल मनुष्यों के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं और विषमताओं का अध्ययन करता है। वास्तव में मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण की भिन्नता के कारण क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को जन्म देती है और उसी के आधार पर मानव की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, मैदानों में और पर्वतीय क्षेत्रों में मानव की आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न होगी और इनमें विषमताएं या भिन्नताएं पाए जाना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार क्षेत्रीय विभेदनशीलता ई मर्फी ने आर्थिक भूगोल का आधार माना है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर ने भी आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता पर बल देते हुए आर्थिक भूगोल के बारे में बताया कि आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मानव की विभिन्न क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। इन्होंने भी क्षेत्रीय भिन्नता को महत्व दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भूतल पर क्षेत्रीय भिन्नताएं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उत्पन्न होती है और वे स्वाभाविक रूप से एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध में अलग अलग प्रकार की होती है। इसी कारण आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होगी और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। रुडोल्फ वेटगेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल की पूर्ति और आर्थिक मानव के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का विशेष रूप से इस अंतःक्रिया से उत्पन्न सार्थक परिणामों की व्याख्या के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि भूतल और आर्थिक क्रियाओं के मध्य जो संबंध होते हैं, उन संबंधों का विश्लेषण करना, उनका क्षेत्र के अनुसार अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय वस्तु है। रडमस ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ब्राउन द्वारा भी नियतिवाद का ही पोषण किया है, जो प्रकृति के प्रभाव को आर्थिक क्रियाओं पर अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल को आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है और
इन्हीं विभिन्नताओं के कारण भूतल पर विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है। इन्हीं भूदृश्यों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इन प्रकार के आर्थिक भूदृश्यों में आवासीय बस्तियां, नगरों का निर्माण, औद्योगिक केंद्र, यातायात के लिए सड़क, रेल मार्ग का निर्माण, विभिन्न प्रकार के बाजार आदि विभिन्न आर्थिक भूदृश्यों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल की प्रकृति अत्यंत आधुनिक प्रकार की है, जिसमें तकनीक का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके प्रभाव स्वरूप भूतल पर आर्थिक भिन्नताओं की स्तर में कमी आई है और आर्थिक भूदृश्यों का निर्माण ऐसे स्थानों पर भी हुआ है जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार आधुनिक समय का आर्थिक भूगोल तकनीक पर आधारित है।